हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने स्नेक वेनम के बारे में बात की थी कि स्नेक वेनम हमारी बॉडी में किस तरह इफेक्ट डालता है, वो उसमें कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है, तो इसके बारे में हमने बात किया था। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मोस्ट डेंजरस ट्री। इस दुनिया का सबसे डेंजरस ट्री कौन सा है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो अगर हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया का जो मोस्ट डेंजरस ट्री होता है वो मोन्चिनेल ट्री होता है। ये मोन्चिनेल ट्री जो होता है ये साउथ अमेरिका, मेक्सिको और फ्लोरिडा वगैरह में पाया जाता है। इंडिया में नहीं पाया जाता है, हमारी कंट्री में ही नहीं पाया जाता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो हिप्पामेन मानसिलेना होता है। हिप्पामेन मानसिलेना इसका बोटेनिकल नेम होता है और ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस ट्री कहा जाता है इसको। इसको डेथ ट्री भी कहा जाता है या ट्री ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और इसका जो मोस्ट डेंजरस पार्ट होता है वो होता है इसका सैप। इसके अंदर से जो लेटेक्स, जो मिल्क निकलता है, जो सैप निकलता है, वो इसका मोस्ट डेंजरस पार्ट होता है। और जो सबसे कम डेंजरस पार्ट होता है वो इसका फ्रूट होता है। इसका फ्रूट ग्रीनिश होता है या येलोइश होता है, पहले ग्रीनिश रहता है बाद में येलोइश हो जाता है। और इसका फ्रूट एप्पल के शेप का होता है, इसीलिए इसको डेथ एप्पल भी कहा जाता है। इसीलिए इसको अ लिटिल एप्पल ऑफ डेथ भी कहा जाता है या फिर इसको बीच एप्पल भी कहा जाता है। बीच एप्पल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ट्री होता है ये जनरली फ्लोरिडा या जो साउथ अमेरिका है या मैक्सिको, उनके बीचेस पे पाया जाता है मोस्टली ये ट्री। काफ़ी लंबा पेड़ होता है और बीच पे पाया जाता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो सॉइल इरोजन से भी काफ़ी बचाता है और तेज़ हवाओं से भी बचाता है। तो ये बीच पर पाया जाता है इसलिए इसको बीच एप्पल भी कहा जाता है और द लिटिल एप्पल ऑफ डेथ भी इसको कहा जाता है। इसका जो फ्रूट होता है वो एप्पल के शेप का होता है और सिर्फ एप्पल के शेप का ही नहीं होता है, वो एप्पल जैसा डिलीशियस भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। उसका स्मेल जो उससे निकलती है वो भी बहुत स्वीट होती है, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये फ्रूट बहुत डेंजरस होता है। अगर इस फ्रूट को हम खा लें तो हमारे मुंह में और हमारे इंटेस्टाइन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाता है और बड़े बड़े छाले निकल आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इसका टेस्ट और इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। जैसे कि हमने बात की कि सबसे कम डेंजरस पार्ट इसका फ्रूट होता है और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट जो होता है वो सैप होता है। इसके अंदर से जो मिल्क, जो लेटेक्स निकलता है, तो वो एक ड्रॉप काफी होता है हमारी स्किन को बर्न करने के लिए। जिस तरह से एसिड हमारी स्किन को बर्न कर देता है, उसी तरह से ये जो लेटेक्स इसके अंदर से निकलता है, सैप निकलता है, जो कि व्हाइट कलर का मिल्क होता है, मिल्क जैसा, तो वो हमारी स्किन को बर्न कर देता है। बहुत तेज पेन स्टार्ट हो जाती है और बहुत बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं अगर एक भी ड्रॉप हमारी स्किन पर पड़ जाए तो। और अगर इसको इनहेल कर लिया जाए, इसको जोर से सूंघ लिया जाए, तो भी ये हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट डालता है और हमें बर्निंग और पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर इसकी लकड़ी को जलाया जाए तो इसका जो स्मोक निकलता है, इसका जो धुआं निकलता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है और हमारी बॉडी में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी का कलर, हमारी स्किन का चेंज हो जाता है। तो इसका स्मोक जो इसकी इसको अगर हमें जलाएं इसकी लकड़ी को, तो जो स्मोक निकलता है वो भी बहुत डेंजरस होता है। ये ऐसा ट्री होता है जिसका हर एक पार्ट हमारे लिए डेंजरस होता है। हर एक पार्ट, किसी भी पार्ट को हम ले लें तो ये हमारे लिए डेंजरस होता है। और इस ट्री के नीचे जाने की सलाह नहीं दी जाती, इस ट्री के नीचे जाने से रोका जाता है, इसको टच करने से रोका जाता है। तो ये पेड़ जहां भी लगा हुआ होता है वहां पर वार्निंग की एक नोटिस लगा दी जाती है कि इस पेड़ को टच ना करें, इसके नीचे ना जाएं, या फिर इस पेड़ में रेड कलर की पट्टी लगा दी जाती है ताकि लोगों को पता हो जाए कि यहां पर जाना डेंजरस है। तो इस पेड़ का हर एक पार्ट हमारे लिए डेंजरस होता है। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्या ये पेड़ सारे एनिमल्स के लिए इसी तरह से डेंजरस होता है? तो हाँ, ये मोस्टली एनिमल्स के लिए इसी तरह से डेंजरस होता है, लेकिन बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं जो इसके फ्रूट को खूब खाते हैं, बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, लेकिन उन पर उनके बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। और एक जो रेप्टाइल होता है ब्लैक स्पाइनी टेल लिगोनस, तो ये जो ब्लैक स्पाइनी टेल लिगोनस होता है, ये रेप्टाइल तो रहता ही इसी पेड़ पर है, वो अपनी पूरी लाइफ इसी ट्री पर गुजारता है और इसी के फ्रूट को खाता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों की बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जिनकी बॉडी पर इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ये जो मोन्चिनेल ट्री होता है, इसका जो सैप होता है, इसका जो मिल्क होता है, वो अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, या फिर इसकी लकड़ी को अगर बर्न किया जाए और वो स्मोक हमारी आंखों में चला जाए तो भी हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है, इस पेड़ का हर एक पार्ट हमारे लिए डेंजरस होता है।
तो मोन्चिनेल ट्री का हर एक पार्ट पॉइजनस होता है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे उसके अंदर का सैप हो, लीव हो, ट्रंक हो, कुछ भी हो, रूट हो, ये सभी हमारे लिए पॉइजनस होता है। यहाँ तक कि अगर मोन्चिनेल ट्री को कोई लिपट कर खड़ा हो जाए तो फिर वो थोड़ी देर बाद उसके भी एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाता है, या बारिश होती है तो उसका जो रेन होती है, उसका वाटर, उसका पानी जो गिरता है, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस होता है और हमारे लिए खतरनाक होता है। लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पर याद दिला दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस ट्री मोन्चिनेल ट्री होता है। मोस्ट डेंजरस ट्री, मोस्ट डेंजरस प्लांट नहीं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस ट्री जो होता है वो मोन्चिनेल ट्री होता है। और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसी तरह से डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर मोस्ट डेंजरस ट्री की बात करेंगे तो मोस्ट डेंजरस ट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मोन्चिनेल ट्री ही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।